के साथ शेयर करने वाली हूं एलुमोनियम के गंदे पुराने बर्तन को क्लीन करने का बहुत ही जबरदस्त तरीका फ्रेंड्स आप लोगों का काफी दिनों से कमेंट आ रहा था कि एलुमोनियम के बर्तन को क्लीन करके दिखाइए तो फ्रेंड्स ये जो बर्तन है ये हम मिट्टी के चूल्हे पर इसका यूज करते हैं और इसका यूज हम भैंसों का दलिया वगैरह बनाने में करते हैं तो उसमें इसकी हालत जो है इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपको इसे पूरी तरह से क्लीन करके दिखाऊंगी एकदम चमाचम करके और वो भी बहुत ही कम मेहनत में या ये मानिए कि बिल्कुल ही नाम मात्र की मेहनत में हम इसे एकदम नए के जैसा बिल्कुल साफ कर देंगे फ्रेंड्स तरीका होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो फ्रेंड्स चलिए फिर शुरू करते हैं इसे क्लीन करना तो इसे क्लीन करने के लिए हमें करना क्या है सबसे पहले हमें एक बड़े बर्तन में चला देना है पानी और इसके बाद हम इस बर्तन को रख देंगे इसके अंदर और पूरी तरह से हमें इस बर्तन को पानी से लबालब भर देना है एकदम अंदर बाहर से अच्छी तरह से डिप हो जाना चाहिए फ्रेंड्स ऐसा करने से हमारी क्लीनिंग में बहुत ही आसानी हो जाएगी और इसके बाद फ्रेंड्स हमें करना क्या है हमें ले लेना है यहाँ पर थोड़ा सा खाने वाला सोडा घर पर सभी के होता है बिल्कुल आसानी से और इसे रखना भी चाहिए फ्रेंड्स काफ़ी सस्ता आता है और क्लीनिंग और कुकिंग दोनों के काम में ही ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है फ्रेंड्स तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें ऐड करने के बाद इसे रात भर के लिए डिप करके छोड़ दिया था अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर एक दो घंटे के लिए आप इसे डिप करके छोड़ दें और इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने हाथों में डाल लिए हैं ग्लव्स ग्लव्स ज़रूरी हैं फ्रेंड्स वरना तो हमारे हाथ ख़राब हो जाएंगे तो ये देखिए इसके बाद मैं बर्तन को पानी से निकाल लूंगी। तो पानी का रंग जो है वो भी काफ़ी चेंज हो चुका है और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है हार्पिक टॉयलेट क्लीनर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ग्लब्स का यूज भी इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हम हार्पिक का यूज़ करने वाले हैं अगर आप किसी भी क्लीनिंग में हार्पिक का यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट हाथों से ना करें वरना तो हाथों हातो, हाथों में जो है खुजली स्टार्ट हो जाएगी या फिर लाल लाल रेसिस आपके हाथों पर हो जाएंगे मेरे साथ ऐसा हो चुका है फ्रेंड्स तो अब मैं जब भी हार्पिक का यूज करती हूँ तो मैं ग्लब्स के बिना हार्पिक का यूज नहीं करती तो ये देखिए इस तरह से पूरे बर्तन के ऊपर अच्छी तरह से मैंने हार को फैला लिया है ये देखिए फ्रेंड्स और यहाँ पर मैं बर्तन को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगी तुरंत ही मैं इसकी क्लीनिंग करके दिखाऊंगी और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है एक इनो का शैसे और ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे बबल्स इनो के अंदर बन चुके हैं और पूरे बर्तन के ऊपर अच्छी तरह से हम इसे फैला देंगे तो इससे हमारी क्लीनिंग में बहुत ही आसानी हो जाएगी फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से पूरे बर्तन के ऊपर अच्छी तरह से मैं इसे फैला दूंगी तो फैलाने के बाद इसके ऊपर जितना भी मैल और ये कालापन है ना फ्रेंड्स ये देखिए आप कितनी आसानी से छूटता है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जबकि ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी गंदगी है जब हम मिट्टी के चूल्हे के ऊपर इसका यूज करते हैं तो ये इसके इस, ऊपर धुआं वगैरह लग जाता है और ये जो है क्लीन करने में काफी मुश्किल होता है अब अगर हम इसकी क्लीनिंग करते हैं बिल्कुल सामान्य तरीके से तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मुश्किल से साफ होता है या यूं कहें कि साफ होता भी नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कोई फेक या फ्रॉड वीडियो नहीं है बिल्कुल आपके सामने ही क्लीन करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स तो यकीन मानिए ये तरीका बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और इस तरीके को फॉलो करके आप भी अपने गंदे से गंदे बर्तन को क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड्स कुछ वीडियो में मैंने देखा है दिखाते हैं कि पहले गंदा बर्तन दिखा दिए और उसके बाद बर्तन को बदल के दूसरा बर्तन दिखा देते हैं

फ्रेंड्स ये देखिए और अब आप इसकी हालत जो है नीचे की इसकी तली में जो है दलिया वगैरह चिपक जाता है और वो जल जाता है तो इसकी हालत जो है इस तरह से बहुत ही खराब हो जाती है फ्रेंड्स तो इसी तरीके से ये भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा हालांकि इसमें मेरी थोड़ी सी मेहनत तो लगी थी क्योंकि यहां से बर्तन पूरी तरह से जल चुका था लेकिन बर्तन जो है पूरी तरह से हो गया था साफ। फ्रेंड्स मेरा तरीका अगर आपको अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि वीडियो कहीं भी आपके लिए जरा सा यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके जरूर बताए फ्रेंड्स तरीका आपको कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा मकसद जो है आपकी क्लीनिंग को आसान करना है तो इसी तरह के क्लीनिंग के लिए आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इससे आपको क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं अब आपको बर्तन को धो के दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमारा बर्तन एवं दूध के जैसे साफ़ हो चुका है फ्रेंड्स तो इसी तरीके को फॉलो करके आप अपने गंदे से गंदे बर्तन को फटाफट से मिनटों में चमका सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही कम मेहनत में और बिना किसी खर्चे के ये सारी चीज़ें जो मैंने इसमें यूज़ की हैं वो सभी चीज़ें हमारे घर पर अवेलेबल रहती हैं फ्रेंड्स तो आपको बाहर से कुछ भी लेकर नहीं आना है और आपकी क्लीनिंग भी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी फ्रेंड्स तो तरीके को फॉलो करके आप भी फ़ायदा ज़रूर उठाएँ तो फ्रेंड्स बर्तन तो हो चुका है पूरी तरह से क्लीन तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर